यूपी में सरकारी शिक्षा के ऊपर काफी धन खर्च करती है और स्कूलों में मोटी रकम को वेतन के रूप में अध्यापकों को देती है, लेकिन ऐसे अध्यापक खुद न पढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह पर प्राइवेट अध्यापकों से पढ़ाई कराते हैं और खुद घर पर रहते हैं। तुम्हारे गांव में जो महिला है वो किस तरीके से स्कूल में पढ़ा रही है? हमारे गाँव में जो शीला है वो सरकारी स्कूल में किराए पर पढ़ा रही है। इस स्कूलों के तैनात अध्यापकों ने खुद स्कूल नहीं आना पड़े इसके लिए एक महिला अध्यापक अपने बदले में पढ़ाने के लिए प्राइवेट के रूप में रख ली है और स्वयं घर पर मौज मारते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी, शीला जी, आप इस विद्यालय में पढ़ा रही हैं और इसमें कितने अध्यापक हैं और क्या है पूरा मामला? आपको, और आप प्राइवेट तौर पर पढ़ा रही हैं विद्यालय में, तो वो विद्यालय में नहीं आते हैं, मतलब 4,000 महीने आपको देते हैं? तो आपको किस बात के 4,000 रुपये दे रहे हैं? तो एक तो परेशानी है मैडम, ना अस्पताल में है। अच्छा, वैसे एक अध्यापक आते हैं, दोनों आते हैं? दोनों आते हैं। तो आज कितने अध्यापक आते हैं? दोनों बड़े बार ना आते, कभी दूर है ज़्यादा परेशानी है तब भले ना आते। अच्छा अच्छा, वो कहाँ से हैं? वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो गाजियाबाद। चलो ठीक। सरकारी अध्यापक सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और जिले के आला अधिकारियों को पता तक नहीं है। क्या ऐसे विद्यालयों को अधिकारी चेक नहीं करते? जब इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की तो मामला संज्ञान में नहीं होना बताया और संज्ञान में मीडिया द्वारा आया है, जाँच कर कार्रवाई की बात कही गयी। बाइट डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी। इंदौर ब्लॉक में बहलोलपुर गांव है, इसमें प्राथमिक विद्यालय, उसमें प्राइवेट शिक्षक पढ़ाते हैं सरकारी शिक्षकों की जगह। सरकारी शिक्षकों ने प्राइवेट शिक्षक रख रखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या है मामला? अभी तक इस तरह की कोई तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं आया था। यदि आप द्वारा बताया जा रहा तो इसको मैं जाँच करा करके SPN 9 न्यूज के लिए संभल से पंकज राघव की रिपोर्ट।